हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह की पूजा हो रही थी, जो मतलब सुहागन स्त्री होती है वो करती है। तो यहाँ पे मैं ये कथा पढ़ रही थी और उसी दिन हमको शाम को निकलना था। तो पूजा के बाद फिर ये अनाया है अपनी कहानी सबको सुना रही थी। यहाँ पे हमारी अनाया लगी है कहानी सुनाने में। इस धरती को खत्म कर दिया और फिर ये कुर्सी। इतनी लंबी कहानी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कहानी सुनने वाले खाने आ रही है। अच्छा, अरे हमारे पास सो गए सब लोग। अनाया लगी है कहानी सुनाने में। एक राजकुमारी थी और एक राजा था, और दोनों है ना मिलकर राक्षस को मारते थे। एक दिन पता नहीं इतनी लड़ाई। हमारा जाने का टाइम हो गया है और बच्चे देख रहे हैं टीवी। बाहर सामान सब पैक हो गया। एक बैग बाहर चला गया, दूसरा ये डब्बा रखा है, एक वहाँ रखा है। सेजल, सब बच्चे टीवी देखते हैं। हाय करो। हाय कर दिया सर। टीवी में बिजी है। बाय बाय। तो यहाँ पे मेरी सास और ननद और उसके बच्चे खड़े हुए थे, तो मुझे कुछ बोल रही थी। मैंने कहा हाँ मैं देख लेती हूँ। तो पड़ोसी हैं वो भी वहीं पे खड़े हुए थे। ये तो मतलब सब आ गए थे बाहर। और यहाँ पे ये ऋषभ है जो उसके दादाजी मतलब वैसे बाद में उनके साथ नहीं खेलेगा, पर उनकी याद उसे बहुत आती है। उसका मतलब रहता है वहीं रहो। बहुत रू रहा था ट्रेन में तो मैंने उसकी तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर किया था ट्रेन में भी, बट क्या बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी तो शायद उसमें सुनाई भी ना दे, इसलिए मैं वापस से वॉइस कर रही थी इसमें। और ये ऋषभ ज़्यादातर मेरे पास ही रहता है और अनाया अपने पापा के पास रहती है, तो वो सब लोग बैठे हुए थे। तो दोपहर हो गई थी, आई थिंक 11 के बाद, दोपहर तो नहीं मतलब सुबह रही था। तो सब अपना मतलब सीनू भी उठ गया था, सब नीचे आ गए थे। तो विंडो, सीनू को विंडो के पास बैठने का बहुत शौक है, सबको ही होता है। तो यहाँ पे ये साबरमती रेलवे स्टेशन जहाँ से हम निकल के बाहर आए, फिर यहाँ पे ये राष्ट्रनाथ पड़ता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये भी मतलब जगह थे तो भी मैंने दिखाया था अपने उस वीडियो में। और तो वहाँ से निकल के देखो काफ़ी चक्कर लगा के, वो वहाँ पे जो राउंड दिख रहा है ये यहाँ पे ये है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसके बाद हम घर में एंटर हुए और ये अनाया की फ्रेंड तुरंत आ गई। तो और यहाँ पे मैंने मतलब वॉइस ओवर अलग से भी किया है, तो हस्बैंड आके सीधे आरओ चलाया। और ये मैं बेडरूम में आई क्योंकि आज सुबह 6 बजे बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो बोल रहे थे किसी का कांच वाँच ये स्लाइडर फूट गया, तो वही मैं चेक कर रही थी सब बोल के टीवी। और मैंने बैग उधर रख दिया, तो हस्बैंड बोले थे टीवी के लिए। ये सब पानी जोरदार पर कितनी तेज बारिश हुई थी। उधर पानी भी डाला, वो गमले वमले रखे हैं ना। चलो सब अच्छा है। किसी का टूटा है कुछ बोल रहे थे। ए गाइस देखो हम घर आ चुके हैं, मम्मी पोछा लगा रहे हैं, पंखे हंके दो भी चल रहे हैं, पापा बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं। सारे पौधे बड़े हो चुके हैं, बस एक गुलाब का पौधा थोड़ा सूख चुका है। ये देखो सूख चुका है, ये सब बड़े हो चुके हैं। खास करके ये वाला। गाइस अभी मैं नहाने जाएंगे, तो नहा के हम खाना खाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा हम क्या कहते हैं बाहर ले जाएंगे, फिर यही जुर्म होगा मम्मी पे। ओके, फ्रेश हो गए हैं, नीचे आए हैं और अभी हम जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, क्योंकि बहुत थक गए हैं। घर आके घर भी साफ किया था सुबह, आज सुबह बारिश आई होगी बहुत तेज़, तो घर भी उस हिसाब से गंदा हो गया था। वैसे तो सब बंद था क्योंकि फिर भी बहुत ज़्यादा कचरा था। और आज ही हम है ना अपने घर आए हैं। हाँ, और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। सब हम आ चुके हैं, जब मम्मी बैठी हैं और ये खाना है। वो क्या था वो नारी है। अरे पापा, ये मम्मी पापा है कर ना, कांटा लेके कर रही है। हाय हेलो। तो अभी हम लोग खाना खा के निकल दिए हैं रेस्टोरेंट से, अब जा रहे हैं घर की तरफ। हाँ मैं इधर ही खड़ी हूँ, जाओ गाड़ी लेके आओ। खाने के बाद सभी लेटे हुए इधर आके, अब किसी का कुछ मन नहीं हो रहा है, कपड़े कपड़े धुलने को बाद में धुलूंगी। सीनू आज हम आए हैं अपनी दादी।
हाँ तो किटी से मिल ले, दे रहा हूँ मेरे को किटा। और उधर लगता है उधर नींद आ गई है। पापा पापा हाय करो। पापा हाय। चलो अभी हम करेंगे, अभी हम करेंगे आराम। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।